सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही 24 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया, जो कि 3 दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। दरअसल इस कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर बनाने का प्राविधान किया गया है। गांव के इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल लॉन्च के तौर पर विकसित कर सकेंगे। बैठक में इसके अलावा 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके तहत HRIT विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव भी हुआ। साथ ही संजय गांधी PGI में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़ने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिससे मरीजों को मदद मिलेगी। बता दें कि अभी यहां क्रिटिकल केयर के सिर्फ 20 बेड हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी और अनुप्रयोगी वाहन को नीलाम किया जाएगा, इसके लिए भी सहमति बनी। इसके अलावा 112 का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट करने का निर्णय किया गया और इसे और भी कम करने के लिए अन्य वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं इस बैठक में हाईकोर्ट में ट्रेनी क्लर्क का कार्यकाल 1 साल से बढ़कर 2 साल किया गया है। नई सौर ऊर्जा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और सोलर पार्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक भूमि 1 एकड़ की दर से लीज पर दी जाएगी, जिसकी वजह से 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन होगा। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।